हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त अंसार अहमद, और आप देख रहे हैं डाइवर्ट। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टीम वीवर की। मेरा प्रीवियस वीडियो एक था टीम वीवर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। टीम वीवर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि पीसी और लैपटॉप और आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन का है, कि आप कहीं से भी किसी भी पीसी या लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एक कंट्री में हूँ और दूसरी कंट्री में अगर टीम वीवर दूसरे लैपटॉप में अगर इंस्टॉल है, तो मैं अपने मोबाइल के ज़रिए वहाँ की पीसी से कुछ भी ले सकता हूँ या उसमें जो भी सेटिंग करना है सेटिंग कर सकता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो जो था, मैं उसको सोचा था कि ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में बनाया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे कि कैसे फाइल को ट्रांसफ़र किया जाए। तो हम टीम व्यूअर ओपन कर लेंगे अपने पीसी और लैपटॉप में, और मैं अपने मोबाइल में ही टीम व्यूअर को इंस्टॉल किया हूँ। तो टीम व्यूअर आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग के हिसाब से आता है। तो मैं अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिक दे रहा था कि आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, देखिए मैं मिरर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो पा रहे हैं, टीम वीवर और क्विक एक्सेस। तो पहले ही बता दिया था कि आईडी एक होती है टीम वीवर की और उसका एक पासवर्ड होता है, तो जिसको आप एक्सेस करने की परमिशन देते हैं उसको आपकी आईडी देनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से आईडी डाला हुआ है। तो यहाँ पे कनेक्ट टू पार्टनर पे क्लिक करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी दे रहा है कि ये टीम वीवर का जो मोबाइल में एप्लीकेशन है वो अभी ऑफलाइन है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ एक दफ़ा क्लिक करके टीम वीवर क्विक एक्सेस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंड माई आईडी दे रहा है और ये भी यहाँ पे रेडी है। तो कनेक्ट टू पार्टनर पे क्लिक करेंगे, अब मेरा ऑनलाइन हो चुका है। तो नीचे देख सकते हैं कनेक्टिंग दे रहा है, तो कुछ सेकंड लगते हैं कनेक्टिंग होने में, क्योंकि मेरे पास दो मोबाइल नहीं है। और यहाँ पे एक मैसेज आएगा अलाउ का, इस पर अलाउ पे क्लिक करना होगा, तभी आपका ये एक्सेस कर सकते हैं दूसरे मोबाइल को। तो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सेस किया था अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल में, और मैं आज एक्सेस करूँगा अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल यहाँ पर आ चुका है। अभी इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, या यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन भी स्विप हो रही है और स्क्रीन पे भी ऐसे हो रहा है। तो यहाँ से ये बात हो गई अपने मोबाइल को एक्सेस करने की। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, ये तो सिंपल सा हो गया। आप किसी भी इसको ओपन करके कुछ भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन रहेगा आप यहाँ से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें एक सेटिंग्स में जाके जो भी सेटिंग्स करनी रहेगी उसके मोबाइल में आप सेटिंग भी कर सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल, मान लीजिए अगर किसी आपके घर में कोई ऐसा है जो आपके मोबाइल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आप उसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए और उसकी आईडी और पासवर्ड सेव करके रख लीजिए अपने पास। और कभी भी उसके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोलिए कि सिर्फ आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दीजिए और उसको जब मैं एक्सेस करूँगा तो अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहीं से बैठे बैठे किसी भी दूसरे कंट्री के दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो शख्स है तो उस शख्स मोबाइल के जो भी सेटिंग से सही करनी रहेगी कर सकते हैं, और जो भी एप्लीकेशन लेना रहेगा ले सकते हैं। तो अभी आगे आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल की कंडीशन क्या है, यहाँ पर सीपीयू कंडीशन क्या है और रैम की कंडीशन क्या है और बैटरी कितनी है और स्टोरेज कितना है। और बाकी नीचे आपको यहाँ पे इसका डिटेल्स मिल रहा है कि क्या नेम है इस मोबाइल का और क्या इसकी EMI है और क्या इसका वाईफाई है, सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप चाहें तो इसको मैसेज भी कर सकते हैं कि आप ये करो आप ये करो। यहाँ पर आप चाहें तो उसको रिंग में भी देना चाहें तो रिंग भी दे सकते हैं। तो देखिए रिंग भी आ रही है इसमें, तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ इसे ओपन करो या बैटरी चार्ज करो, जो भी आप चाहें यहाँ पे आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसके इसमें आ जाएगा क्विक व्यूअर में। तो मैं इसको क्लोज़ किया हूँ, आप यहाँ पे क्विक व्यूअर जो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है बैटरी चार्ज करो। अगर यहीं से आप फिर दोबारा लिखेंगे जो कुछ भी अगर आप इससे चैट करना चाहते हैं तो आप जैसे मैं इसमें लिखता हूँ मोबाइल में ओके,
अब इसको सेंड करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे आ गए। तो ये डैशबोर्ड, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पे जो भी कंट्रोल करना रहेगा इस रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पे जो भी कंट्रोल करना रहेगा स्क्रीन शॉट, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और यहाँ ऐप्स में जाके यहाँ पर जो भी उसको चाहे किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स में दी गई है कि वाईफाई की कि किस किस से ऐड हुआ है। इसके बाद जो सबसे मेन बात है फाइल को ट्रांसफ़र करने की, तो फाइल ट्रांसफ़र यहाँ पे मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दो पैनल मिल रहा है, एक यहाँ का है जो पीसी का है और ये आपका मोबाइल का है। तो मान लीजिए मैं मोबाइल से कुछ लेना चाहता हूँ पीसी में, तो मैं एक्सटर्नल स्टोरेज में जा रहूँगा और यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर यहाँ से हम ले लेते हैं, पिक्चर है, हम इसको डेस्कटॉप में कहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रिसीव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो रिसीव पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल आ चुकी है। तो हम इसको मिनिमाइज़ करके अभी आपको डेस्कटॉप पे दिखाते हैं। ये देखिए ये इमेज आ चुका है, ये इमेज का नंबर है 7976। आप यहाँ पर देख सकते हैं टीम व्यूअर को ओपन करके कि ये नंबर का आया है कि नहीं। देखिए PNG का है फॉर्मेट, तो ये आया है। इस तरह से आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही पूरा कंट्रोल उस PC या लैपटॉप या उस सिस्टम पे लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।